Dear students, today's topic is micronutrient deficiency. As we already discussed this, what are micronutrients and what are macronutrients. In previous lecture, we discussed the macronutrient and other macronutrient. We discussed PEM, vitamin A, and vitamin D. Now, today we discuss micronutrient deficiency. As you already we discussed this, what is micronutrient? These are the nutrients required by organisms throughout life in small quantities. So micronutrients are those nutrients which we require in smaller quantities, and under this micronutrient, vitamins and minerals are there. Okay, so vitamins and minerals, we need these nutrients in smaller quantities as compared to carbohydrate, protein and fats. Okay, and when there is deficiency of one or more vitamin or mineral in your diet, it will lead to the micronutrient deficiency. So micronutrient deficiency hoti hai tab jab aapko one ya more vitamin or mineral aapki diet mein deficient hoga, then micronutrient deficiency will occur. Okay, under this you have to discuss as per your subject syllabus, you have to discuss only anemia and iodine. Okay, so first is anemia. As you know, anemia, it is a deficiency disease of iron. It means when iron is deficient in your diet, the person will suffer from anemia. And anemia, it is the most common public health problem both in India and other developing countries. अगर हम other developing countries या India की बात करेंगे, anemia जो है ये ज़्यादातर present है, ठीक है? Especially in girls या जो in pregnant ladies, in lactating mothers, ठीक है? Because जो उनका iron content है, वो उनकी fulfill नहीं होती है by taking their day-to-day menu, ठीक है? यहाँ से उनको ब्लड लॉस हो जाता है, जो उनको रेगुलर पीरियड्स होते हैं उसकी वजह से इनमें एनीमिया हो जाता है. एंड दिस एनीमिया, इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन योर डाइट. एनीमिया, व्हाट इज एनीमिया? व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसीज और द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड. सो हम एनीमिया उसको उस कंडीशन को कह सकते हैं जब आपका एच बी नॉर्मल लेवल से कम होगा. यह जो आरबीसीज है, आपको पता है जो हमारा ब्लड है उसमें सेल्स होती है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. आरबीसीज अगर आपकी ब्लड में कम हो गई है, उससे भी एनीमिया के चांसेस होते हैं. ठीक है? एंड यू नो दिस हीमोग्लोबिन, इट इज, इसमें प्रोटीन भी होता है एंड हीम इज आयरन एंड ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन. ठीक है? इसका आयरन जो है या हीमोग्लोबिन है, इसकी क्यों नीड है हमारे बॉडी में? बिकॉज इट कैरी ऑक्सीजन एंड इफ यू हैव टू फ्यू और एबनॉर्मल आरबीसीज और नॉट एनफ हीमोग्लोबिन, देयर विल बी अ डिक्रीज्ड कैपेसिटी ऑफ द ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू. सो ये जो ये हीमोग्लोबिन है, इसका मेन फंक्शन हमारे बॉडी में है, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है इनसाइड आवर बॉडी सेल्स. सो इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ एचबी और लो लेवल्स ऑफ एचबी और डिक्रीजेस आरबीसीज सेल्स इन योर ब्लड, सो एचबी इज नॉट एबल टू कैरी ऑक्सीजन इन ए नॉर्मल वे. ठीक है? सो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फिर इन ए नॉर्मल कंडीशन में ट्रांसपोर्ट नहीं होगा. ठीक है? देयर आर थ्री ग्रुप्स ऑफ एनीमिया. वन इज माइक्रोसाइटिक हिपोक्रोमिक एनीमिया. माइक्रोसाइटिक हिपोक्रोमिक एनीमिया ये होता है जब आपकी बॉडी में डाइट में आयरन की डिफिशेंसी होगी, लेड पॉइजनिंग से या हेमोलिटिक एनीमिया. ठीक है? नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, ब्लड लॉस एक्यूट और क्रॉनिक. ठीक है? एनीमिया ऑफ रीनल ओरिजिन, मे बी आपकी किडनी जो है या यूरिन एक्सक्रीशन जो है उसके साथ ब्लड लॉस होता है, या स्टूल्स के साथ ब्लड लॉस होता है, उससे इसके बॉडी में एनीमिया हो जाता है. या एनीमिया अदर क्रॉनिक कंडीशंस है, जैसे हेमरेज होते हैं या फिशर्स होते हैं. ठीक है? या फिब्रॉइड्स होते हैं, जिसकी वजह से इसके बॉडी में ब्लड लॉस हो जाता है,
तो एनीमिया हो जाता है, उसको हम कहते हैं नॉर्मोसोटिक और नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया है दूसरा फॉर्म एनीमिया का, जो विटामिन B12 फॉलिक एसिड डिफिशियंसी से होता है। ठीक है, सो ये तीन टाइप्स के एनीमिया है जो डिफरेंट कंडीशंस या दिस डिफरेंट फॉर्म से हो सकते हैं इनसाइड आवर बॉडी। नाउ व्हाट इज द प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया? इट इज ए ग्लोबल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, पर्टिकुलरली अफेक्ट्स यंग चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। जो एनीमिया है ये एक मेजर प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, विच अफेक्ट्स बोथ चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। एज पर WHO, दे एस्टिमेट्स दैट 42% ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर्स ऑफ एज एंड 40% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन वर्ल्ड वाइड आर एनीमिक। ठीक है, मेन कॉज क्या है यंग चिल्ड्रन में? बिकॉज दे आर फेलियर टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री आयरन राइट फ्रॉम द एज ऑफ 4 मंथ्स ऑफ लाइफ। ठीक है, चिल्ड्रन इसलिए सफर करते हैं क्योंकि उनको जो ही हम आपको पता है जो इन्फेंट्स है मदर्स मिल्क में आयरन प्रेजेंट नहीं होता है, तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फीटस होता है वो आयरन जो है वो स्टोर करता है। ठीक है, जो उसको फर्स्ट 2 ईयर्स तक उसको यूज होता है, जब तक वो फर्स्ट 1 ईयर जो है अप टू 6 मंथ्स तक, फिर जब उसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं वीनिंग स्टार्ट करते हैं तो उसको फिर आयरन मीट हो जाता है सॉलिड फूड से। बट टिल 6 मंथ्स जो इन्फेंट की आयरन रिक्वायरमेंट है वो उसको ऑलरेडी स्टोर किया होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दैट इज वाई आयरन रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेगनेंसी इज हाई एज कम्पेयर टू द नॉर्मल वुमेन। ठीक है, इसीलिए हम प्रेग्नेंट लेडीज की आयरन रिक्वायरमेंट एनहांस होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज कम्पेयर टू द नॉर्मल वुमेन। सो अगर प्रेग्नेंट लेडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आयरन रिक्वायरमेंट इन गुड क्वांटिटी में नहीं कंज्यूम करेगी, जो इन्फेंट होता है उसमें आयरन स्टोर अच्छे से नहीं स्टोर हो जाएंगी, जिसकी वजह से फिर उसमें एनीमिया के चांसेस होते हैं। बिकॉज मदर मिल्क इज डिफिशियंट इन आयरन, देन वेन वी स्टार्ट वीनिंग then their iron requirements will fulfill from giving supplementary diet। ठीक है, या जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन या प्री स्कूल और एडोलसेंट्स एज ग्रुप, एडोलसेंट्स एज ग्रुप में एक रीजन ये है कि इसमें एनीमिया होता है ड्यू टू द मेनार्क। ठीक है, या ड्यू टू द मेंस्ट्रुएशन जो इनको ब्लड लॉस होता है, यहाँ से ये डाइट्स वो लेते हैं जो रिच नहीं होते हैं आयरन में, तो इनमें एनीमिया के चांसेस होते हैं। स्कूल गोइंग और प्री स्कूल चाइल्ड, दे प्रेफर रेडी टू ईट फूड्स एंड दे आर डिफिशियंट इन विटामिन दिस आयरन। ठीक है, सो दैट इज वाई वी शुड गिव प्रेफरेंस टू गिव होम बेस्ड पैक्ड फूड्स टू स्कूल एंड प्री स्कूल चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू मीट देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, the prevalence of anemia was observed to be 33.9%, proportion of mild and moderate anemia 48.4 to 49.5%, the mean hemoglobin जो अभी देखा गया है especially इस range में रहता है 11.33। ठीक है, so this is the prevalence of anemia। so from all these values you can see that how much anemia is present। ठीक है, anemia कितना present है in the world, especially in preschool, school going children and in adolescents and pregnant ladies, these groups are more vulnerable to anemia। now what are the etiology or what are the causes of getting anemia? inadequate dietary intake, it means when your diet is deficient in iron, folate or B12 or vitamin C or calcium, उससे एनीमिया होता है। विटामिन सी इसलिए बिकॉज आयरन एब्जॉर्प्शन में हमें विटामिन सी बहुत हेल्प करता है। सो अगर आपकी डाइट में विटामिन सी डिफिशियंट होगा, वहाँ से आप आयरन लेते हैं लेकिन आपकी बॉडी उसको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करती है बिकॉज विटामिन सी वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, सो यू विल सफर फ्रॉम द एनीमिया। पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस, ठीक है, पॉवर्टी, लो परचेजिंग पावर, इग्नोरेंस, जो कल्चरल हैबिट्स है, टैब्यूज है, रिलीजियस ये फूड फैट्स है या सोशल कास्ट रूल्स है, उसकी वजह से उनमें एनीमिया के चांसेस होते हैं। वो इग्नोर कर पाते हैं उनको, वो जो फूड्स रिच होते हैं आयरन में। ठीक है,
पोर अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन या अच्छे से उनको फूड्स जो रिच है आयरन में वो अवेलेबल नहीं होंगे, वो भी एक कॉज बन जाता है। प्रेजेंस ऑफ इंटरफेयरिंग सब्सटेंसेस इन योर डाइट, जैसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस कुछ होते हैं, जैसे फाइटेट्स होते हैं, ऑक्सलेट्स होते हैं, जो आयरन एब्जॉर्प्शन या आयरन मेटाबॉलिज्म में इंटरफेयर करते हैं, तो उसकी वजह से भी एनीमिया के चांसेस होते हैं। ब्लड लॉस या ब्लड लॉस कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है, क्रॉनिक हेल्थ कॉम्प्लिकेशन जैसे गैस्ट्राइट्स होते हैं या अल्सर्स हो जाते हैं, किसी को इन्फ्लेमेशन होती है गैस स्टमक में तो उसका ब्लड लॉस हो जाता है, या कुछ इंजरी हो सकती है, या किसी ना खुदा ना खासा किसी को क्रॉनिक एक्सीडेंट होता है तो वहां पे ब्लड लॉस होता है, तो उस वो एनीमिया से सफर करता है। ठीक है, या जैसे मैंने आपको अभी पहले ये कहा फिशर्स, फिब्रॉइड्स, हेमरेज, तो ये सब केसेस में एनीमिया के चांसेस है। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से, बिकॉज यहाँ से तो ब्लड लॉस होता है, अगर वहां से आप आयरन रिच फूड्स कंज्यूम नहीं करेंगे तो जितना लॉस होगा उसको आप कंपनसेट नहीं कर पाएंगे। पैरासिटिक इन्फेस्टेशन से भी एनीमिया के चांसेस है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग जो मैंने पहले ही कहा, अगर पेप्टिक अल्सर, यूडिनल या जिजनल अल्सर होता है उससे भी एनीमिया के चांसेस होते हैं। या ब्लड डोनेशन, कोई ब्लड डोनेट करता है उससे भी ब्लड एनीमिया के चांसेस है। ठीक है, दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स और साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। पेलनेस ऑफ कंजक्टिवा, आप आंखों से ही देखते हैं, आप ऐसे भी अगर हम नॉर्मली बोलते हैं किसी को, हम देखते हैं उसकी जो आईज है वो थोड़ी सी येलो होगी, हम उसको बोलते हैं तुझे खून ही गुमत काम। ठीक है, पेलनेस ऑफ टंग, लो हीमोग्लोबिन, पेलनेस ऑफ सॉफ्ट पैलेट जो इन माउथ में होता है, जो अपर पैलेट होता है उसकी पेलनेस हो जाती है, स्वेलिंग ऑफ फीट, लेकिन जिसको सीवियर एनीमिया होता है उनमें स्वेलिंग ऑफ फीट होती है, कोलेंशिया, कोलेंशिया होता है ये नेल्स इसकी ब्रिटल होती है, स्पून शेप्ड होती है, हार्ड हो जाती है और स्पून शेप्ड, इन सारी फॉर्म्स को हम कहते हैं। फिर एक साथ जो नेल्स की ये सिम्टम्स है उसको हम कोलेंशिया कहते हैं, एंड ये ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन हो जाती है। ठीक है, इट मींस कोलेंशिया में क्या होता है, नेल्स ब्रिटल हो जाती है, हार्श जो नेल्स है इनकी शाइनेस खत्म हो जाती है, ठीक है, और ये स्पून शेप्ड हो जाते हैं। फटीग, यू फील फटीगनेस, थकावट महसूस हो जाती है, डिक्रीज्ड एक्सरसाइज टॉलरेंस, आप जल्दी थक जाते हैं, कोई भी काम करते हो आप नहीं कर पाते हो, सांस फूल जाती है, सीढ़ियों को चढ़ते हो आपको सांस फूल जाती है, बात करते हो तो ज्यूरिंग टॉकिंग यू फील एक्सर्शन, ठीक है, आपको लगता है कि मेरी सांस फूल गई, मैंने बहुत सारी ज्यादा बातें की, बट इट इज ऑल ड्यू टू द आयरन डिफिशियंसी। हेडेक एंड वीकनेस, इरिटेबिलिटी, यू गेट इरिटेट व्हेन समवन वांट्स टू टॉक विद यू, और या आपको वो कुछ कहता है तो आप इरिटेट जल्दी हो जाते हो, इट ऑल्सो इंडिकेट दैट देयर इज डिफिशियंसी ऑफ आयरन। एंजाइना पेक्टोरिस, इट मीन्स कि हार्ट पेन अचानक हो जाती है, पेल्पिटेशन, ठीक है, ब्रेथलेसनेस, सफोकेशन हो जाती है, आपकी जो पेल्पिटेशन है वो हार्ट तेज चल रही होती है, टिंगलिंग, टिंगलिंग मीन्स जब वो कभी लगता है कि मुझे कुछ चुभ रहा होता है, ठीक है, अचानक आप ऐसे ही बैठते हो, बोलते हो पता नहीं मेरी उंगली फिंगर्स को या पैर को जैसे सुइयां चुभ रही है, दैट इज टिंगलिंग, इट ऑल्सो इंडिकेट्स द आयरन डिफिशियंसी। पुअर एपिटाइट, भूख नहीं लगती है, स्लीप एपिनिया, लॉस ऑफ स्लीप, इट मीन्स कि इसको नींद नहीं आती है, कहते कि मैं चाहे निंद्रे ही मैं जानती निंद्रे दस मत तुम जान तुझे खून आसी काम को मत। ठीक है, सो दी ऑल दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। सो इफ यू ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दिस सिम्टम इन एन इंडिविजुअल, इट मीन्स द पर्सन इज सफर फ्रॉम द आयरन डिफिशियंसी। ठीक है, नाउ हाउ कैन यू प्रिवेंट, इधर यू सप्लीमेंट विद आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स, फूड को फोर्टिफाई करेंगे, ठीक है, जैसे हम जो भी आपको लगता है जो मेन फूड है, स्टेपल डाइट है, उसको आप फोर्टिफाई करेंगे विद आयरन। डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन, एजुकेशन ऑन डाइटरी प्रैक्टिसेस, आप एजुकेट करोगे लोगों को या अपने एरिया को जहाँ पे आपको लगता है, या उन वल्नरेबल ग्रुप्स को एजुकेट करेंगे, जैसे प्री स्कूल है, स्कूल को इन चिल्ड्रन आप स्कूल जा सकते हो, ICDS सेंटर्स पे जा सकते हो, या क्रैश जो है या प्रिपरेटरी स्कूल्स या हम कहते हैं वहां पे आप जाके उनको नॉलेज दोगे कि जो भी आप ये पैकेट लंच लाते हो बेटर है कि आप घर से बना के लाओ, जिसमें आयरन सारी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होगी, सो दैट यू विल नॉट सफर फ्रॉम एनी ऑफ द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। हेल्थ केयर, आपको जनरल हेल्थ चेकअप करना है, जनरल हेल्थ मेंटेन करना है। इंक्रीज्ड एसेस टू आयरन रिच फूड्स, ज्यादातर ध्यान देना है कि हमें आयरन रिच फूड्स, चाहे होम गार्डनिंग में आप रखोगे या एसेस कंज्यूम करोगे तो वो आयरन रिच फूड्स होने चाहिए, ठीक है।
डाइटरी चेंज, बिकॉज अगर हम अपने सराउंडिंग में देखेंगे, वी एक्सेप्ट द फॉल्टी डाइटरी एवरीवन. ठीक है, आप खुद की तरफ देखो, यू आर नॉट टेकिंग द प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट. ठीक है, सो उस डाइटरी चेंज को आप अपने उसमें चेंज लाओ. अगर अभी यू इट इज द इनिशियल स्टेज, इफ यू वॉन्ट यू कैन चेंज हियर एंड यू अडेप्ट द गुड डाइटरी हैबिट्स. आप अभी अपने आप को चेंज कर सकते हो. इन फ्यूचर यू बिकम मदर्स, देन एट दैट टाइम आप अपने बच्चों को रिच फूड्स, जो न्यूट्रिशियस डाइट्स घर पे बना के दोगे, उनको आप प्रेफर करोगे कि दैट यू शुड टेक होम बेस्ड विच आर न्यूट्रिशियस फूड, अवॉइड द पैक्ड लंच. ठीक है, सो इनकॉर्पोरेट आयरन रिच फूड्स इनटू रेगुलर ऑरल इनटेक और ऑरल आयरन सप्लीमेंटेशन. फूड जो है विटामिन सी, बिकॉज विटामिन सी इसको हेल्प करता है आयरन एब्जॉर्प्शन में, since ascorbic acid enhances iron absorption. Now the management, iron rich foods, oral iron, intravenous iron. अगर जो सीवियर केसेस में, जैसे किसी में सर्जरी होती है उसमें आयरन लॉस बहुत हो जाता है या एच बी उसमें बहुत लॉस हो जाता है, फिर वो एनीमिया से सफर करते हैं, तो अगर वो ऑरली नहीं ले पाते वहां पर उनको इंजेक्ट करते हैं. ठीक है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ठीक है, सो दिस वॉज द मैनेजमेंट. नाउ the another micronutrient deficiency is iodine. Hope you understand the iron. So we can say that the iron, it is anemia, it is the most nutritional problem, especially in the preschool, school going children, pregnant ladies, adults, and so these four groups are more vulnerable to get anemia. ठीक है, इनमें ज्यादा chances होते हैं anemia के, because they take the diet which is not rich in the iron. ठीक है, एंड देयर डाइट इज डेफिशिएंट इन द विटामिन सी. इफ दे आर टेकिंग द आयरन रिच फूड्स बट देयर डाइट इज डेफिशिएंट इन द विटामिन सी, सो अगर वो यहाँ से आयरन रिच फूड्स लेते वहां से उनका विटामिन सी कम होगा, तो उसमें आयरन एब्जॉर्प्शन हैम्पर हो जाएगी, जिसकी वजह से उनकी जो आयरन की डिमांड्स होती है वो फुलफिल नहीं हो जाती है. सो वी हैव टू चेंज आवर डाइटरी हैबिट्स, वी हैव टू चेंज आवर हेल्दी हैबिट्स. जो हमने अडेप्ट किया है हम अपने ट्रेडिशन को, जो यहाँ पे ट्रेडिशन है, कल्चर जो है, कि वो सब चीज़ें आप इस बच्चे को नहीं दे सकते हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये सारे फूड्स नहीं दे सकते हो, या आफ्टर लैक्टेशन नहीं, इसको नहीं, अब अभी तीन एटलीस्ट फॉर टू मंथ्स आप उसको कोई भी वेजिटेबल नहीं देना है. क्यों? इट्स लाइक ना, इट्स लाइक सर्दी. वो ये एक हमारा फ्रॉम ट्रेडिशन टू ट्रेडिशन ये बातें चलती आ रही है. ठीक है, ये बिलीफ चल, नहीं 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 एमएस गैस न दो, नहीं सब्जी एमएस गैसियत करने, है ना. सो यू हैव टू चेंज ऑल दीज थिंग्स, देन ओनली यू कैन इम्प्रूव योर न्यूट्रिशनल स्टेटस, बिकॉज एट दिस टाइम यू आर एट द इनिशियल स्टेज. इंशाल्लाह टुमारो यू विल बी मदर्स, देन यू विल बी ग्रैंड मदर्स. सो जब आप इस टाइम अपने आप को चेंज करोगे, आप अपनी फैमिली को चेंज कर सकते हो, अपनी एरिया को चेंज कर सकते हो, उनको आप एजुकेट कर सकते हो. नहीं, वी कैन इनकॉर्पोरेट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स टू लैक्टेटिंग मदर्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन या ड्यूरिंग एडोलेसेंस पीरियड, प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन. वी हैव टू अवॉइड ऑल दीज पैक्ड फूड्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट. वी शुड गिव प्रेफर और वी शुड गिव होम बेस्ड फूड्स विच आर रिच इन द न्यूट्रिशियस डाइट. ठीक है, सो अगर आप घर पे ही बनाएंगे जो आयर उसमें जिसमें सारी न्यूट्रिएंट्स होंगे, सो योर चाइल्ड और योर इंडिविजुअल ऑफ योर फैमिली विल नॉट सफर फ्रॉम एनी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम. सो इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज यू आर द न्यूट्रिशनिस्ट. इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पब्लिक न्यूट्रिशनिस्ट. इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डाइटिशियन टू गिव न्यूट्रिशन एजुकेशन अवेयर द विसिनिटी, सो दैट दे बिकम अवेयर रिगार्डिंग द प्रॉपर डाइट, सो दैट दे कैन चेंज देयर डाइटरी हैबिट्स, दे कैन चेंज देयर फॉल्टी हेल्थ हैबिट्स. ठीक है, सो वो अपने आप को चेंज करेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे हेल्दी डाइटरी हैबिट्स, वो ये कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे कि हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लैक्टेशन ये सारे फूड्स नहीं देना, इससे ये हो सकता है. अगर फीवर है या कफ है या कॉमन कोल्ड है, आप इसको टमाटर नहीं दे सकते हो, दही नहीं सकते हो. जबकि ये है ड्यूरिंग कोल्ड यू हैव टू इनकॉर्पोरेट विटामिन सी फूड्स ड्यूरिंग द कोल्ड, सो दैट यूअर इम्यूनिटी विल एनहांस, सो दैट यूअर immunity will function in a good way. But no, what is here in Kashmir, it is the concept that no, you should not give vitamin C rich food during the person is suffer from the cold.
because it is a concept and it is transferred from one generation to another. So it is our responsibility. We have to change all these faulty things from our environment, then only we can maintain the nutritional status of our area. Hope you understand this. Theek hai? Now the next is the iodine. Iodine is also very important, and in today you have observed that thyroid problems are more present, especially in India. Why? Because the iodized salt is not available in good quality. ठीक है, जैसे पहले क्या होता था, जो सॉल्ट होता था उसको आयोडाइज किया होता था आयोडीन से. बट टुडे इन एवरी टाइप ऑफ द फूड देयर इज एडल्ट्रेशन. हर एक में एडल्ट्रेशन, मिलावट है. ठीक है, आपको प्योर क्वालिटी का फूड मार्केट में मिलता ही नहीं है, जिसकी वजह से वी आर सफर फ्रॉम द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज. हमें लगता है नहीं, मैं तो सारी फ्रूट्स भी कंज्यूम करती हूँ, मैं तो बैलेंस डाइट लेती हूँ, लेकिन यहाँ से आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है. व्हाट इज द रीजन? Because the food that is available in the market are not of a good quality. ठीक है, they are adulterated. उनमें adulteration होती है. ठीक है, आप देखिए early ripening आजकल हम fruits में करते हैं. Even in vegetables, in every type of food items, we do early ripening. Why? Because our main aim is to gain profit. ठीक है, जो हमारे जो workers हैं, जो manufacturers हैं, जो food के साथ deal करते, their main aim is to gain profit. उनको health के साथ कुछ नहीं, किसी को किसी health की चिंता ही नहीं है, सबको अपनी profit की पड़ी है. ठीक है, तो वो fruits को inject करते हैं. आप देखते, आपको लगता है कि मैं fruits लेती हूँ, वो सब खाती हूँ, लेकिन आजकल क्यों इतनी सारी बीमारियां हैं? अगर आप अपने इनको ग्रैंड पेरेंट्स को देखेंगे, दे आर रियली स्ट्रांग, दे आर हेल्दी. Why? Because during their early periods of their life, the food will be available of good quality. Pure होता था उस जमाने में. आजकल तो हर कोई food item, चाहे आप spices, fruits, vegetables, cereals, कोई भी food item आप लेंगे, वो impure होता है, adulterated होता है, जिसकी वजह से हमें nutritional deficiency होती है. ठीक है, that is why it is better to start home gardening. आप अपने घर में ये सारी चीजें लगाओ, वहाँ पे आप देखो, जब आप ये सारे रिच फूड्स आप वहाँ पे ग्रो करेंगे, फिर आप वो फ्रेश फूड्स आप कंज्यूम करेंगे, यू विल नॉट सफर फ्रॉम एनी ऑफ द न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी. ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट इज आयोडीन. आयोडीन डेफिशिएंसी जो है, इट इज ड्यू टू द लैक ऑफ आयोडीन. जब व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, गॉइटर होता है, इट मीन्स एक्यूमुलेशन हो जाती है थायरॉयड ग्लैंड में. अगर आपने कभी देखा होगा, स्पेशली ये फीमेल्स आर मोर सफर फ्रॉम गॉइटर, उनको फ्रॉम फ्रंट पोर्शन जो ग्लैंड है, यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है, इसमें एक्यूमुलेशन हो जाती है. ठीक है, या बच्चों में भी ये इफेक्ट होता है. अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को थायराइड होगा और उसने प्रॉपर केयर नहीं किया होगा, तो बच्चे पे भी इफेक्ट होता है, जिसको हम कहते हैं क्रेटिनिज्म. ठीक है, क्रेटिनिज्म है, इसका मेंटल डेवलपमेंट पे इफेक्ट होता है, या आप आगे देखेंगे, विच रिजल्ट्स इन डेवलपमेंट डिलेज एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम. Iodine deficiency is an important global health issue, especially for fertile and pregnant women. ठीक है, because जो iodine deficiency है, इससे thyroid problem होती है. आप देखते हैं आजकल सबके में शुद्ध thyroid. ये किससे होता है? Due to the deficiency of iodine. तो fertility में problem हो जाती है. During pregnancy, अगर pregnant lady में thyroid होगा या goiter होगा उसमें, तो वो directly effect पड़ता है बच्चे पे, बच्चे के दिमाग पे, उसमें cretinism हो जाता है. ठीक है, उसकी growth जो है वो अच्छे से नहीं हो पाती, बच्चा बढ़ता नहीं है, उसकी growth and development hamper हो जाती है, उसकी mental development effect हो जाती है. इट इज़ ऑल्सो ए प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि अगर थायरॉयड या आयोडीन डिफिशेंसी है, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है. बिकॉज आयोडीन इज इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल मेंटल, फॉर फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो थायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट करता है, जो फिर थायरॉयड ग्लैंड के फंक्शन को मेंटेन करता है. So, जब आपके डाइट में आयोडीन की कमी होगी, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन सिक्रेट नहीं करता है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड फिर नॉर्मली फंक्शन नहीं करता है, तो वहां पे एक्यूमुलेशन हो जाती है थायराइड ग्लैंड की, जिसको हम गॉइटर कहते हैं. ठीक है, थायरॉक्सिन इज अ हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड.
एंड दिस आयोडीन इट इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ दीज टू हार्मोन्स. ये दो हार्मोन्स है जो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है, वन इज T3 एंड T4. ये तो आप आज डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं, चाहे आप थोड़ी सी कोई नॉर्मल हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है तो डॉक्टर बोलता है कि थायराइड टेस्ट करता है, उसमें देखते हैं T3 एंड T4. T3 इज ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड T4 इज थायरोक्सिन. ये दो हार्मोन्स हैं जो सिक्रीट करता है थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को मेंटेन करता है. सो अगर आपका थायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा तो ये हार्मोन सिक्रीट ही नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वहां पे एक्यूमुलेशन हो जाती है और गॉइटर फिर सफर होता है वो इंडिविजुअल. ठीक है, सो थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को मेंटेन करना, इन हार्मोन्स को सिंथेसाइज करना, फिर इनको नॉर्मली फंक्शन करना, ये आयोडीन का काम है. तो अगर आयोडीन ही डेफिशिएंट होगा ये सारा फंक्शन नहीं हो पाएगा. फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये हमें हेल्प करता है, तो अगर डेफिशिएंसी होगी तो उस पर इफेक्ट होगा. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट उस पर इफेक्ट होता है. ठीक है, दिस इज प्रिविलेंस. 7% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन विल सफर फ्रॉम दिस डिजीज. सीरियस प्रॉब्लम ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, ये सारे एरिया कंट्रीज में ज़्यादा आयोडीन डेफिशिएंसी प्रेजेंट है. ठीक है, सब हिमालय ग्वाइटर बेल्ट उसमें भी ये ज़्यादा है, या इन सारे जो इंडिया की ये कंट्रीज है, इन दे विल सफर, दे आर सफरिंग फ्रॉम द आयोडीन डेफिशिएंसी. These are the signs and symptoms. कैसे आपको पता चलेगा कि इंसान एक इंडिविजुअल में आयोडीन की कमी है? फर्स्ट इज एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड. ये फिर सीवियर केस में होता है, पहले ही एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड नहीं होता है. ठीक है, ग्वाइटर फिर सबसे लास्ट में हो जाता है एनलार्जमेंट, जिसको हम ग्वाइटर कहते हैं. एबॉर्शन हो सकती है अगर प्रेगनेंट लेडीज में आयोडीन डेफिशिएंसी होगी. कॉन्जिनाइटल एबनॉर्मैलिटी, जो फीटस होता है उसमें ग्रोथ पे इफेक्ट होता है. मेंटल डिफॉर्मिटीज होती है, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाती है. क्रिटिनिज्म, ग्रोथ फेलियर, मेंटल डेफिशिएंसी, डेफ म्यूटिज्म या पैरालिसिस ऑफ लेग्स उसमें फिर हो जाती है. पेरिनेटल मोर्टिलिटी, ठीक है, नियोनेटल एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, टाइम से पहले ही बच्चा फिर बर्थ हो जाता है. कॉन्जिनाइटल एबनॉर्मैलिटीज, जिसमें ये सारी चीज़ें हो जाती है. लो बर्थ वेट, नियोनेटल ग्वाइटर, नियोनेटस में भी फिर ग्वाइटर के चांसेस हो सकते हैं. लिथार्जी, पुअर फीडिंग, प्रोलॉन्ग्ड फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, क्रिटिनिज्म, मेंटल डेफिशिएंसी, शॉर्ट स्टैचर. इट मींस कि जो बच्चा है अगर उसको एज पर जो नॉर्मल हमारी रिकमेंडेशन की इसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, लेकिन वो उससे कम, वो दिन ब दिन छोटा जाता है. ठीक है, एज इन कम्पेयर टू हाइट, इट इंडिकेट्स देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, उसकी जो आवाज़ है वो हार्श हो जाती है. ठीक है, सो घबर सन. मोटर स्पेसिटिसिटी, इट मीन जो भी मोटर एक्टिविटीज होती है, जैसे वॉकिंग है या ग्रास्पिंग है, ठीक है, रिफ्लेक्स करते हैं या सकिंग करते हैं, कैच करते हैं, ये सारे उसमें फिर इम्पेयर हो जाते हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. रिटार्डेड मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट भी इफेक्ट होता है. ठीक है, सेक्चुअल मैचुरेशन, ये डिले हो जाता है, बिकॉज एज वी ऑलरेडी डिस्कस दैट जो विटामिन ये आयोडीन जो है ये इनफर्टिलिटी कर सकता है. एडल्ट मेंटल एंड फिजिकल अंडर डेवलपमेंट, स्लीपी एंड स्लो, इम्प्योर मेंटल फंक्शन, डिसीजन मेकिंग, वो अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाता, बिकॉज वो माइंड है वो प्रॉपर फंक्शन ही करता है, उसको वो रीजनिंग नहीं दे सकता है, उसकी मेमोरी वीक हो जाती है, थिंकिंग पावर उसका वीक हो जाता है. इनटॉलरेंस टू कोल्ड, ठीक है, उसको ज़्यादा ठंड लगती है, अगर बाहर से गर्मी भी होगी तो उसको ठंड होती है, ये सारे थायराइड में हो जाते हैं. किसी में वेट गेन होता है एंड किसी में वेट लॉस हो जाता है. ठीक है, दीज आर द कॉजेज. एनवायरमेंटल डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ठीक है, ग्वाइट्रोजिन्स, जैसे ग्वाइट्रोजिन्स फूड्स, जैसे कैबेज है जो अंडरग्राउंड फूड्स है, उनमें ग्वाइट्रोजिन्स प्रेजेंट होते हैं. लो डाइट्री आयोडीन, अगर वो डेफिशिएंट होगा उससे भी हो सकता है, या लो डाइट्री आयोडीन, जो आयोडाइज्ड सॉल्ट से ही हमें आयोडीन मिलता है, तो अगर उसमें वो आयोडाइज नहीं किया होता है तो आपको डेफिशिएंसी हो सकती है. सिलेनियम डेफिशिएंसी से भी आयोडीन डेफिशिएंसी होती है. प्रेगनेंसी, एक्सपोजर टू रेडिएशन, ये जैसे खुदा ना खास्ता कैंसर पेशेंट्स होते हैं, उनको रेडिएशन देनी पड़ती है, उसकी वजह से उनको फिर आयोडीन डेफिशिएंसी होती है. सेक्स, हायर अकरेंस इन वुमेन, वुमेन विल सफर
women are more suffer from this in iodine deficiency as compared to men. Smoking or tobacco, alcohol, oral contraceptives bhi ek cause hai, ya age. ठीक है, so these are all the causes of the iodine deficiency. Prevent, how can you prevent? Iodized salt, it means कि आपको salt distribute करना है. जिस area में आप देखो कि इसमें iodine की कमी है तो salt आप करो, but iodized salt. Communication campaign, आप campaign organize करो या कहीं पे workshop आप वहाँ organize करो, वहाँ पे उनको knowledge education दे दो कि आप कैसे अपने iodine को incorporate कर सकते हो अपने diet में. Double fortified salt, जो salt है उसको दो बार fortify करो so that the requirements of iodine be get fulfilled. Iodized oil available होता है market में, आप उनको वो incorporate कर सकते हो. Manpower training, आप लोगों को नॉलेज दे सकते हो, उनको ट्रेनिंग कर सकते हो कि कैसे आप फूड को आयोडाइज कर सकते हो, कैसे आप खुद को बचाओगे फ्रॉम आयोडीन डेफिशिएंसी. दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ द आयोडीन डेफिशिएंसी और ग्वाइटर और थायराइड एबनॉर्मैलिटीज. इधर यू यूज आयोडाइज्ड सॉल्ट और आयोडाइज्ड ऑयल, ठीक है, या आयोडाइजेशन ऑफ सॉल्ट विद पोटेशियम. जो सॉल्ट को हम आयोडाइज करते हैं वो हम करते हैं पोटेशियम आयोडेट से. इन इंडिया आयोडाइजेशन इज फिक्स्ड, बट ये फिक्स है, ये नहीं है कि आपको अपनी तक है कि जितना आप चाहोगे उसमें आप पोटेशियम आयोडेट इनकॉर्पोरेट कर सकते. नो, ये पीएफए प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है, वो फूड्स को फिर एक रिमार्क करता है कि नहीं ये प्रूव है कि ये आयोडाइज्ड है. सो उसमें कुछ लिमिटेड पॉइंट है जितना आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. इट इज नॉट ग्रेटर देन 30 ppm आयोडीन एट प्रोडक्शन पॉइंट एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 ppm एट कंज्यूमर लेवल, ठीक है. ज्यूरिंग प्रोडक्शन आप इतना कॉर्पोरेट कर सकते हो एंड ज्यूरिंग एट कंज्यूमर लेवल 15 ppm आप एट कंज्यूमर लेवल पे आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज टू रिप्लेस कॉमन सॉल्ट विद आयोडाइज्ड सॉल्ट, ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि आप यू शुड यूज आयोडाइज्ड सॉल्ट. डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट, इट मीन्स टू इन वन सॉल्ट. जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, अगर आप सॉल्ट लेंगे फॉर एग्जाम्पल 10 kg, उसमें आपने ऑलरेडी फोर्टिफाई किया विद पोटेशियम आयोडेट, फिर आपको फिर से उसको करना है, दो बार करना है, तो दैट इज डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट. फिर हम वो वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करते हैं जहाँ पे क्रॉनिक आयोडीन डिफिशेंसी पेशेंट्स प्रेजेंट होते हैं. आयोडाइज्ड ऑयल या तो हम इंट्रामस्कुलर या इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, स्पेशली जो आयोडाइज्ड ऑयल, किस ऑयल में आप आयोडाइज्ड करते हैं, पॉपी सीड्स में, ठीक है. जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद है, दे डेवलप आयोडाइज्ड ऑयल इन सैफलॉर और सैफोला ऑयल. जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद है, उन्होंने सैफलॉर और सैफोला ऑयल में भी आयोडीन इनकॉर्पोरेट किया है. कितना है डोज, 1 ml प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर 4 years, ठीक है. अगर आप 1 ml आयोडाइज्ड ऑयल लोगे तो 4 साल तक आपको आयोडीन डिफिशेंसी से आप खुद को बचा सकते हो. आयोडाइज्ड ऑयल ऑरल ऑयल और सोडियम आयोडाइड या टैबलेट फॉर्म में आ जाते हैं, या आप सीधे ऑयल ले सकते हो या आप सॉल्ट को आयोडाइज कर सकते हो. सो दीज आर द मैनेजमेंट फैक्टर्स बाय विच यू कैन मैनेज द पर्सन और द कंट्री और द एरिया फ्रॉम द आयोडीन डिफिशेंसी. होप यू अंडरस्टैंड द आयरन डिफिशेंसी एंड आयोडीन डिफिशेंसी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशेंसी. So thank you so much.